आज कल के व्लॉग की वजह से मैंने कुछ एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी खा लिया, तो ना टाइम आप देख सकते हैं कि हो रहा है 4:05, और ना मेरी आंखों में नींद है और ना मेरे दिल को चैन। पता नहीं क्यों, शायद मैंने ज़्यादा खा लिया है, इस वजह से ओवरलोड हुई हूँ मैं, एक्स्ट्रा ही ओवरलोड हुई हूँ, क्योंकि मुझे अजीब सी फील हो रहा है। मतलब नहीं, पूरे घर में पागल हो, इतना मैं चक्कर लगा रही हूँ, आत्माओं की इतना मंडला रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा नहीं खाया। इनको हराने के चक्कर में मैंने अपनी वाट लगा ली है। तो बाकी बस कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, तो मैंने कहा एक शॉर्ट ही ले लें, बताया जाए कि चैलेंज करना एडा सौखा नहीं, अगर जिसने नहीं देखा वो जाके देखो और लाइक करो। और उस टाइम को मुझे हज़म ही नहीं हो रहा सब कुछ। तो ना अब सुबह हमने जाना अपनी दोस्त के घर, दुआ करें मैं ठीक रहूँ, अभी तक मैं थोड़ी ठीक हूँ, नॉर्मल ही हूँ। बाकी आपने अब दुआ शुआ करनी है, फिर कल हम लोग जाएंगे जी अपनी दोस्त के घर, वहाँ पे भी बहुत मज़े के सीन्स हैं, तो अभी हम सोते हैं। और वैसे तो हम लोग 2 बजे उठते हैं, बहुत ही बेशरम है, हम 2 बजे उठते हैं, तो आज हम लोग उठेंगे थोड़ा सा जल्दी, क्योंकि हमने जाना है दोस्त के घर, हम लोग सुबह 11 बजे उठ जाएंगे। उन्होंने कहा 2 बजे आ जाना, नहीं तो नहीं आना, ज़रूरत नहीं है आपकी। तो फिर मेरे को 11 बजे उठना है, अलार्म शार्म सेट करते हैं अपने फ़ोन में, बाकी फिर सुबह मिलेंगे आपसे, व्लॉग साथ साथ चलता रहेगा, व्लॉग अब स्किप नहीं करना, व्लॉग हम लोग साथ इंशाल्लाह, कोशिश मेरी पूरी है कि हम लोग डेली रूटीन का व्लॉग डालें। डेली रूटीन का ये कि मतलब उस तरह भी रूटीन का नहीं डाल सकती, क्योंकि मैं इतनी फ्री नहीं होती। अब मंडे से कॉलेज स्टार्ट हो गया, सेकेंड ईयर में आपकी बहन गलती से चली गई माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बस फिर सेकेंड ईयर स्टार्ट हो जाएगी, कॉलेज जाना शुरू हो जाएंगे, फिर देखें आगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कोशिश मेरी रहेगी कि हम कोई ना कोई कंटेंट लाते रहे, क्योंकि आज भी मैंने इन लोगों से कहा कि हमें कोई ना कोई व्लॉग ज़रूर चढ़ाना, नारान के बाद हम लोगों ने एक मुहर्रम का चढ़ाया, तो हमें व्लॉग चाहिए। फिर इन्होंने मुझे मशवरा वगैरह दिया कि हम ये व्लॉग डाल सकते हैं, आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छे व्लॉग्स बनाते रहें। अभी हम लोग ज़रा करते हैं रेस्ट, मैं बहुत बोल रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया। जब बहुत ज़्यादा खाओ ना तो फिर बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, जब एनर्जी आती है फिर हम बोल सकते हैं, और वाकई में मैं बहुत बोल रही हूँ, आई नो। तो अभी हम लोग सोते हैं, फिर सुबह आपसे मिलते हैं, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी तो एवरीवन, इस वक्त मैं तैयार होकर बैठ गई, पीछे मेरे व्लॉग की आवाज़ें आ रही है, जो कल मेरी वाट लगाई गई है, रात बहुत बुरी गुजरी है, बहुत ज़्यादा मैं वो क्या कहते हैं उसको, वो थी बेचैन सी थी, क्योंकि मैंने बहुत ही ज़्यादा खा लिया था। मैं 5:30 बजे सोई हूँ, बल्कि 6:30 बजे मैं फिर उठ गई हूँ कि मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे कुछ हो रहा है। थोड़ा बहुत मैंने फिर अपने आप को वो किया, इसके बाद ये भी हम यहाँ पे मैंगो केक खो लेते, जो कि मैं अपनी अम्मी जान के लिए रात कराई थी, पर मैं खा रही हूँ। अभी मैं लेट हो रही हूँ, 3 हो गया, उठ जा शहर यार, छोड़ा ना, वो भी हमें ये छोड़ने जाएगा। तो आप मैंगो केक देख सकते हैं कितना ही प्यारा है, छोटा देखे आए थे क्योंकि रात को हमने सोचा था हम रात को खाएंगे, हमने अपनी ब्राउनी श्राउनी ली थी मामा के लिए, ये ले आए थे, बट रात को बहुत ही टैगी फुल हो गई थी हमारी, अब हमने ना इस टाइम ये खाना गाइस, ये बच्चा है ये ना मुझसे मिलने के लिए तैयार हुआ था, और क्या अब इसकी शर्म नहीं खत्म हुई। मैं तुम्हारी छोटी सी बड़ी सी बहन हूँ, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आती है, व्लॉग में आना चाहिए यार इसका, व्लॉग में अब्दुल्ला मैंने तो तुम्हारी बड़ी बातें शायद सुने, मेरे साथ रो क्यों रहे हो तुम, इसने कुछ किया नाराज नहीं, चलो चलो कोई बात, अब तुम्हारी बड़ी बहन आ गई, बताओ क्या मसला है, हम हल करेंगे तुम्हारा मसला, आगे आ जाओ, इसके हाथ खोले में शर्म और हैयान नहीं, मैंने तो ये 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 पता है इसको किसने दिया हुआ, अल्लाह माफ करे, ला के साथ नूरुल हुदा, कौन सी नूरुल हुदा, हमें भी नूरुल हुदा का एड्रेस दो, जो ये छल्ले बांट रही है हमें भी बताओ नूरुल हुदा, हमें तो हमारे अब्बू ही गिफ्ट करते हैं और कोई नहीं, ये नहीं जी आप, थैंक यू जी, मैं दलालत हुई है। तो वैसे मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता, बट मैंने खेला भी, हम तुम्हारे साथ एक छक्का मारते हैं, ठीक हो गया, हल्की सी बॉल कराना बच्चों की टक वाली, फिर मैं मैंने वही जवेरिया भी कहती, जवेरिया भी सुबह आउट हो गई थी, जवेरिया भी ने जिंदगी में आउट ही होना और कब सीखा, तो बच्चा नाराज नाराज नहीं होते, मेरा तुमसे छोटा भाई है, मुझे इतना मारते उस दिन मैं रोने लग गई थी, हम भी मारा कर, अच्छी बात है नहीं है, उस दिन इब्राहिम ने मेरे बॉल खींच के मुझे नीचे गिरा, और मेरी माँ मुझे बचाने का, मुझे हंसी जाए हंसी जाए हंसी जाए, मतलब मेहरान हो रही, रबिया को इब्राहिम मार है,
मैं कहा मैं मासूम से हाथ है, कितनी मार खाओ इनसे, कोई इज्जत है बहनों की समाज में? हक के लिए लड़ो, वहां पे जड़े जुबाने काट देते हमारे भाई हमें मारते हैं, मैं लड़ूंगी जांच करूंगी। तो तुमने अपनी बहन को नहीं मारना, बहुत अच्छी बहन है तुम्हारी, फिर ठीक है ये मार ले कोई बात नहीं, तुम्हारे हाथ बहुत भाटे होते हैं, बहुत जोर की लगती है। गाइस ये निशवा की मामा ने बहुत मजे का खाना बेड़ा तरजे थोड़ी स्टीक आदा रोटी खोल दे ठीक है मैं रुक जा रुक जा नहीं मैं डालूंगी 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 बना लो यार क्या याद करोगे बना लो। थैंक यू सो मच आंटी, कसम से इन सब की माओ ने कहा था कि इन्होंने बहुत जिंदगी राम के क्यों हमने गवर्नमेंट स्कूल में डाला था, डेढ़ दोस्त अपना आके हमारे सिरों पे गर्मी में जान डाल दी, पर बहुत बहुत शुक्रिया आंटी, साथ अरीबा का बेचारी पर सीने में लाद मैं भी तो मुझे दावत दी है तो बस कर तुमने दावत ही दी है किया कुछ नहीं, हाँ कुछ भी नहीं किया इसने। आंटी वो मेरे दोस्त अब्दुल्ला को तो बुलाए वो साथ खाएगा हमारे जरा खाना, आ जाओ अब्दुल्ला आ जाओ आ जाओ, तुम्हारे बगैर मेरा खाना नहीं है सब, आओ साथ बैठ के खाना खाएंगे। जी तो एवरीवन अभी हम लोग आए हैं जो शाद चंद चौराहे पे, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी सारी इन्होंने चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब्जी मुहर्रम के लिए है, पर अभी हम लोग अंदर भी चलते हैं, ये देखिए अगरबत्तियाँ वगैरह सब पड़ा हुआ है यार, ये ना ये दरवाजा मैंने सुना बहुत था, मैं गई कभी नहीं है दरवाजा, चलो चलो ये देखो ये गली पे मुझे लग रहा है मरी रोड पे दरबार टाइप का वो है शाह चंद चौराहा, यहाँ पे तारे ये तो शियों का है सारा है ना, देखो कबूतर यहाँ पे हम ना तकरीबन बस देखने देखने ही आए हैं, ये क्या है हमें आश सारे अलम के पास गए, मैं उठ गया ये अलम के पास वो है ये अलम ये सब्जी अलम ये मर्दों ने हम और दिन देख और दिन देख ये जी ज़ियारत हम इधर से इधर जाएंगे औरतों के लिए, ये तो दुआ करते हैं जी। तो एवरीवन अभी हम लोग खा रहे हैं गोलगप्पे, तो हम अभी हम खा के मिलते हैं गोलगप्पे और ब्लॉग में एक दो काम एक साथ नहीं कर सकते, सिर्फ गोलगप्पे बाहर काम को मैं आपको बता दूं, हां नाने जाओ जाओ, बारिश किस तरह तेज तेज सी लग चुकी है, पर हम लोग गए थे तो हम भीगे भीगे वापस आए हैं, तभी जरा हम लोग बैठते शर्टे कॉलेज के शूज वगैरह लेने थे, तो हम लोग अभी सदर जा रहे हैं तो बस कुछ शूज वगैरह लेते हैं, सुबह से कॉलेज भी स्टार्ट हो गया तो बस चलते हैं सदर कुछ शूज वगैरह लेते हैं, कुछ कहीं पे कोई शूज नहीं पसंद आया क्योंकि मतलब वो हाई नहीं थे जो मुझे चाहिए, मतलब मुझे खुद भी नहीं पता मुझे कौन से चाहिए, बट जैसे चाहिए कोई ऐसा अट्रैक्टिव सा नहीं लगा, इंडियोर सर्विस बाटा अमेरिकन ब्रिटिश सब पे देख लिया मैंने थिएटर के, कुछ पसंद नहीं आया, तो अभी अब देखें क्या होता है फिर कहीं चलते हैं और देखते हैं क्या पसंद आता है मुझे। अभी हम लोग आए थे जी अमल डेजर्ट के ऊपर, इतना बलल्ला है मेरे से फ़ोन ले के गया कि मैं व्लॉग बना के लाऊँगा बट नहीं बनाया, लाए क्या हो तुम यारा, एक रेड वेलवेट पेस्ट्री भी है और एक वो केक है, वो वाला नहीं लाया लाया ना वो भी लिया, तुम तो बहुत अमीर हो इतनी इतनी चीज़ें लाते अपने लिए, हाँ ये मेरे मतलब का था, ये मेरा रेड वेलवेट तुम्हारा है ये मेरा ओके इसको चखना भी नहीं, ये मैं मेरा मैं तपे ही मानूंगी, मैंने नहीं रेड वेलवेट लगाई क्यों मुझे अच्छी नहीं लगी, वो नाइस दिखाओ मुझे चमची मैं तोड़ूंगी, वाह टक्कर हुई है हुई 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 जालियत भरी हुई है, मैं कोट कोट के मेरे को टेस्ट करना है, इसको पकड़ो जरा पक्का एक हाथ से, मैं कैमरा संभालू मैं क्या क्या संभालू मेरे पास कितनी जिम्मेदारियां हैं, ले ले कुड़ी ने दिल खाया, वो बहुत मजेदार बहुत मजेदार बहुत मजेदार,
सारा नहीं खाना, मेरे मिट्ठू के लिए रख लेना। तो इतना आप देख रही हैं तो मैं आपके लिए रखूंगी ये। बहुत मजे का था, नेक्स्ट टाइम हम पूरा रखने के लिए रेड वेलवेट लाया अपने लिए। कल माँ ने गलती से मैंगो केक क्या मंगा लिया, हम लोगों ने तो बदला उतार के छोड़ा है। अभी रेड वेलवेट खाया जा रहा है। अच्छा लेयर्स का, लेयर्स को होता है लेयर्स का तो अच्छा ना, हाँ ये अच्छा है, ये आई लाइक इट। लेयर्स का मुझे बहुत लगा था थिक, एक्स्ट्रा थिक था, और मैं इसे नहीं खाया गया। ये अच्छा था यहाँ का। अभी बस मेरे शूज रह गए, हम लोग बोल लेते हैं फिर चलते हैं घर। पूरा दिन आज मैं सुबह के लूल उल करने निकली हुई हूँ, तो बाकी फिर घर चलते हैं। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, शूज लेके घर जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। शहीर की एक और लेने, क्योंकि ये छोटा सा तो था, इतना सा आधे से ज्यादा तो शहीर ही खा गया। मैंने देखा, मैं कहा तो उन्हें तो कुछ छोड़ा ही नहीं है, कहता बहुत लजीज और बहुत मजे का था। तो फिर मैंने उसको कहा तो एक और ले आया अमन और इब्राहिम के लिए, नहीं तो उन्होंने रोना डाल देना, क्योंकि मामा तो इतना शौक से चॉकलेट वगैरह वाला फ्लेवर खाती नहीं है, वो मैंगो शंगो खाती है। उनका कल ले आई थी मैं, तो भी शेर कोर केक लेने की, और मेरी लेंसेज ने मुझे इतना तंग किया है कि बस इनफ, बस समय चाहती मैं घर पहुँच जाऊँ और अपने बिस्तर पर पहुँच जाऊँ। टाइम मुझे शक है क्या हो गया, टाइम 10:30 होने लगे, बस जो 1 बजे की मैं निकली हुई हूँ। घर कदम रखे, अम्मा को मिली, अम्मा ने घूरी कराई रबिया, मैं कहा आ रही शूज लेने जा रही हूँ, सुबह कॉलेज भी जाना है, वाट वॉट पे वॉट। तो बस चलते हैं, फिर आपसे मिल लेते हैं। ओके ठीक है गाइस, साथ साथ रहना गरीब नहीं होना। सब्सक्राइब कर दें आप लोग, अगर मेरे चैनल पे अभी भी आ गए हैं तो आए ना सब्सक्राइब करें, जल्दी करें करें, वेरी गुड। तो चलते हैं फिर हम जी। तो गाइस गलती से मुझे ये वाले शूज़ पसंद आ गए, अब हम यही ले लेंगे, क्योंकि इसके और मुझे कहीं पर कोई शूज़ पसंद ही नहीं है जी, यही वाले हैं बस। मुझे तो एक ये वाला भी प्यारा लगा था और ये वाला भी, ये भी अच्छा था ये वाला, बट शेर मुझे बोलता है ये कॉलेज के लिहाज से बहुत ओवर हो रही है, ये सिंपल से लग रहे हैं, ये ले लो। सो हमने भी ये ले लिया, बस हम लोग चलते हैं घर, काफ़ी टाइम हो गया मुझे बाहर भी, बस चलते हैं यार। वैसे ना ये जूतियाँ भी बहुत प्यारी यहाँ पे लगी हुई हैं, तो पर भी मौसम वो वाला मुझे जूतियाँ, ये वाली देखी है मैंने पहनी हुई है। जी तो एवरीवन, अभी हम लोग यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट कंटेंट के साथ, अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।